जैकलिन फर्नांडिस को एक दुबई बेस्ड हेल्थ ड्रिंक कंपनी ने उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अप्रोच किया है एंड दे हैव ऑफर्ड हर अ वॉपिंग रुपीज 1.25 करोड़ फॉर द सेम। जैकी जो कि इस वक्त श्रीलंका में एक एड की शूटिंग कर रही हैं, इज स्टिल टू टेक अ कॉल ऑन वेदर शी विल टेक अप द दुबई ऑफर। Imran Hashmi's last few films haven't been doing well and hence there is a lot riding on his upcoming releases. Imran ki film Ungli unki agli release hai aur iske baad 17th April 2015 ko Mr. X aur 12th June 2015 Imran ki film Hamari Adhuri Kahani release hone wali hai. जैकी श्रॉफ को हीरो रीमेक में पाशा का किरदार निभाने के लिए अप्रोच किया गया था। द रोल दैट लेट अमरीश पुरी प्लेड इन द ओरिजिनल फिल्म, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से जैकी कुडंट बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एज ही इज शूटिंग फॉर करण मल्होत्रास ब्रदर्स एट द सेम टाइम। संजय गुप्ता जनरली हीरो सेंट्रिक फिल्में बनाते हैं, वेयर द एक्ट्रेस जस्ट एड्स द ग्लैमर क्वोटिएंट टू द फिल्म। फिल्म जज्बा के साथ पहली बार गुप्ता एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म बनाने जा रहे हैं और वो भी विद एक्ट्रेसेस लाइक ऐश्वर्या राय बच्चन एंड शबाना आजमी। लुक्स लाइक गुप्ता इज अ लिटिल नर्वस। आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज हाउ मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू डायरेक्ट ऐश्वर्या'स फर्स्ट फिल्म इन 3 years। देन देयर इज शबाना आजमी टू, इट वॉज माई ड्रीम टू डायरेक्ट हर एंड नाउ आई एम डूइंग इट। खबरों की माने तो डायरेक्टर उमेश शुक्ला जो कि इन दिनों ऑल इज वेल फिल्म बना रहे हैं विल सून स्टार्ट वर्क ऑन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट और इस फिल्म के लिए उमेश ने अपेरेंटली धनुष को अप्रोच किया है। It's a boy. Bollywood's beloved on-screen and off-screen couple Genelia D'Souza and Riteish Deshmukh are blessed with a son, their first child. Excited father Riteish ne apni khushi ko Twitter par share ki, jiske baad ek ke baad ek B-towners ke congratulatory messages ki line lag gayi. Huda, who was in Abu Dhabi to attend the Abu Dhabi Grand Prix on Sunday, had an Emirati-themed adventure this week as he spent time learning about horses with the UAE's Horse Whisperer and lived to tell the tale. Take a look. Playing the role of PK, Amir preferred to sit like this even if there was a chair around. Director Rajkumar Hirani ka ye tweet hai unki forthcoming film PK ko lekar, jisme wo kabhi Amir to kabhi Sanjay Dutt se judi information share karte nazar aa rahe hain. Hirani tweets, in Rajasthan, Sanju traveled from the makeup van to the sets of PK, which was half a kilometer away, on this. अरबाज खान की प्रोडक्शन में बन रही डॉली की डोली का फर्स्ट लुक बहुत जल्द आउट होने वाला है, जिसका बस क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया फिल्म के लीड स्टार्स सोनम कपूर, पुलकित सम्राट, राजकुमार राव और वरुण शर्मा ने। पुलकित ट्वीट्स, यस इट्स अ लॉन्ग वेडिंग सीजन फॉर मी, आफ्टर माई ओन डोली हियर कम्स डॉली की डोली फर्स्ट लुक कमिंग सून। तो वही सोनम ने लिखा है, मैरिज सीजन इज हियर एंड सो इज डॉली, डॉली की डोली गेट रेडी फॉर द राइड। Interestingly, Dolly Ki Doli के लिए मलाइका अरोरा खान ने किया है एक स्पेशल आइटम नंबर टाइटल्ड फैशन मुझ पर खत्म, जिसमें मलाइका एक बार फिर मुन्नी के रंग में रंगी दिखेंगी। Raj and Simran's iconic love story will complete 1,000 weeks on December 12th. And as a tribute to the venture, Yash Raj Films has released a brand new trailer showcasing some of the most iconic moments from the film. The trailer takes us down memory lane and reminds us of how Raj and Simran created history. Excited! Real life Raj, Shahrukh tweets, my favorite line in a film ever, nahi, main nahi aunga. DDLJ version 2 trailer reloaded. I'm so happy. शाहिद कपूर अर्ली नेक्स्ट ईयर अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब पर काम शुरू करने वाले थे, बट नाउ इट इज बीइंग सेड दैट शानदार की शूटिंग रैप अप करने के बाद शाहिद विल स्टार्ट वर्क ऑन फौजी। अराउंड दिस टाइम ही विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू एनी अदर फिल्म एज ही विल बी डूइंग स्पेशल प्रेपरेशन फॉर हिज लुक एंड रोल इन दिस फिल्म।
रणवीर सिंह धीरे धीरे फिल्मों की तरह एंडोर्समेंट्स की दुनिया में भी छा रहे हैं. रणवीर हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ सर्टन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ब्रांड व्हिच इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. ऑन द फिल्म फ्रंट ही इज करंटली वर्किंग ऑन बाजीराव मस्तानी विद संजय लीला भंसाली. श्रीदेवी अगले साल जनवरी में उनकी हस्बैंड बोनी कपूर की फिल्म शूट शुरू करने वाली हैं, जिसमें शी विल बी प्लेइंग अ स्टेप मदर हैविंग अ स्टॉर्मी रिलेशनशिप विद हर स्टेप डॉटर. बोनी जी ने कंफर्म की है कि श्री की स्टेप डॉटर का किरदार एक न्यू कमर निभाएंगी जिसकी तलाश जारी है. सोनाली बेंद्रे, जिन्होंने एक हिंदी फिक्शन शो के जरिए एक्टिंग में अपना कमबैक किया है, वाज रिसेंटली ऑफर्ड अ लीड रोल इन अ मराठी शो जिसे ग्रैंड स्केल में बनाई जा रही है. सोनाली इन दिनों काफी बिजी है और टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से उन्हें इस ऑफर को ठुकराना पड़ा. राधा मनी सोनाक्षी सिन्हा की ये ठुमके हैं उनकी फोर्थकमिंग रिलीज देवर के लिए, जिसके लेटेस्ट सॉन्ग राधा नाचेगी के लॉन्च पर सोनाक्षी सिन्हा नजर आई माइनस अर्जुन कपूर. म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी. लेकिन इस इवेंट की सारी लाइमलाइट सोना ने लूट ली कोरियोग्राफर रेमो के साथ ठुमके लगाकर. म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा By the way, are very good in the movie. अब मैं अपनी बहन की तारीफ करूँ तो बुरा लगेगा, लेकिन कर ही देती हूँ since you all are all my friends and you all have known me. काफी अच्छी movie में, and I'm very proud. Thank you. Yeah, so I'm very happy to be here in support of the film. प्रियंका चोपड़ा नजर आई सिस्टर मनारा की फिल्म जिद के लिए प्रमोशन करते हुए. दरअसल मौका था जिद के म्यूजिक सेलिब्रेशन पार्टी का, जहां फिल्म की स्टार कास्ट मनारा और कर्णवीर के अलावा अनुभव सिन्हा और सिंगर्स भी मौजूद थे. इंटरेस्टिंगली जिद से डेब्यू कर रही मनारा ने यहां अपने सिंगिंग स्किल्स भी शो ऑफ किए. देवगन को एजे स्टाइल में पोज करना सिखाते हुए प्रभुदेवा ने लॉन्च किया एक्शन जैक्सन का लेटेस्ट सॉन्ग टाइटल्ड एजे थीम, और यहाँ डायरेक्टर प्रभुदेवा खुद को एजे के अंदाज में डायलॉग मारने से नहीं रोक पाए. मैं एक ही बार बोलता हूँ क्योंकि दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं होगा. बिपाशा बासु ने मिलिंद सोमन के साथ मिलकर सपोर्ट किया पिंकथॉन को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. पिंकथॉन विल टेक प्लेस इन मुंबई ऑन दिसंबर 14, जिसमें बिपाशा और मिलिंद अप्रोक्सीमेटली 10,000 पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर आए दिन बहुत नंबर्स आर वेरी वेरी ह्यूज, बिसाइड सर्विकल कैंसर ऑल्सो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ वुमन टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ एंड हर हेल्थ, एंड दैट इज द बेसिक अवेयरनेस दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट थ्रू पिंकथॉन. अजय देवगन, जो कि फिल्म शिवाय को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विल ऑल्सो बी एक्टिंग इन दिस फिल्म. इस फिल्म की शूटिंग मोस्टली बाहर के देशों में की जाएगी, एंड अजय हैज ऑल्सो सेड दैट मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू मेंबर्स ऑफ दिस फिल्म विल बी फॉरेनर्स. इस फिल्म को अजय एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरह बनाना चाहते हैं. लिरिसिस्ट एंड राइटर प्रसून जोशी ने भी बाकी बी टाउनर्स की तरह हाथ में झाड़ू लेकर ज्वाइन कर लिया है क्लीन इंडिया कैंपेन को, और रिसेंटली वो नजर आए क्लीनिंग अ लेन इन लालबाग एरिया इन मुंबई विद एन एम टू स्वीप अवे ऑल द डर्ट सो दैट किड्स कैन प्ले इन अ हाइजीनिक सराउंडिंग. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने. एक बार जोरदार तालियां हरिहर साहब और रेखा जी के लिए. मैं
मैडम आपने इतने सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, आपके हस्बैंड इतने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मतलब अलग काम करते हैं, तो जब आपकी उनके साथ शादी हो रही थी तो ऐसे जयमाला डालते हुए आपके दिमाग में कभी आया था ऐसे कॉमेडी नाइट्स में आएंगे आप? क्या बात है? It's so funny. Actually funny. आपको पता मैं आपका जो ये कमेंट कमाल था, you're actually funny. सर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे मैम, आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए. तो सर एक 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 रूदारी हो जाए कुछ हमारे दर्शकों के लिए, बिकॉज फिल्मों में जो होता है वो उतना है कि हाँ ढाई मिनट का गाना या तीन मिनट का. आज यहां पे सर ये मंच सब आपके मुरीद है, कुछ हो जाए सर. तेरे बिना जिंदगी से कोई हाय 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 शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. थैंक यू रेखा जी, थैंक यू अरविंद सर. अरे बाबा, हमारे तो भाग खुल गए, दो दो लीजेंड एक साथ बैठे हैं. भाग खुल गए, तेरा गमछा भी खुल गया. अरे गमछे का तो हमको शौक है. क्या बात है, मजा आ गया आपको देख के. बनवारी लाल किससे पूछ के अंदर आए तुम? भगवान से. क्योंकि क्या है, भगवान दिल में रहते हैं, दिल ने कहा जाओ तो हम आ गए. तो तेरे दिल में भगवान कहां से आ गए? तेरे दिल में तो छेद था ना? छेद था, लेकिन डॉक्टर ने कहा रोज अंडा खाओ, तो हमने लगातार दो दिन तक अंडा खाया, छेद भर गया हमारा. दो दिन अंडा खाने से छेद भर गया. छेद होता इतना सा, अंडा होता इतना बड़ा, तो हमने खाया, बल्कि डॉक्टर ने कहा अंडा तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो हमको कल अंडा देना पड़ा एक. बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ पे क्या करने आए तुम? यहाँ पे अरे इतने बड़े यहाँ पे सिंगर बैठे हैं और एक यहाँ पे एक राइटर हैं, तो कोई क्यों आएगा भला? यूं ही आएगा ना, तो यूं ही आए हैं हम. अरे आपको मालूम नहीं है, हम अपने एरिया में सून टू बी फेमस भोजपुरी लिरिकिस्ट होने वाले हैं, बहुत फेमस. अच्छा अच्छा, कौन से गाने का मतलब आपने लिखा है? गाना हमने बहुत लिखा है, जैसे लेकिन किसी ने सुना नहीं है अभी तक. क्योंकि हमने गुप्त रखे हैं गाने. हमारी लिस्ट बहुत लंबी है. एक गाना है वो 36 नंबर का, तू ही रे तू ही रे. अरे मैं सोच, मुझे लगा कि मैं लिखा हूँ गाना. नहीं नहीं, इन्होंने गाया वो गाना बॉम्बे में. आप झूठ बोल रहे हैं. अरे यार आप समझे नहीं, इन्होंने बॉम्बे में वो गाना गाया है, ये गाना कोई और है, हमने जौनपुर में लिखा है. इस पर बहुत फर्क है. इस गाने को छोड़ो, एक और गाना है जो बड़ा फेमस है, जुबान पे लागा, इस तरह का रोमांटिक है, जुबान पे लागा लागा रे शुगर इश्क का. शुगर इश्क का वो तो मैंने गाया, नमक इश्क का है वो.
नहीं, इनके घर की हालत देखते हुए पता नहीं चलता है नमक और शुगर कहाँ है क्यों। Can I have a seat? Hari Haram ji, मैंने अपने मन में आपको अपना गुरु मान लिया, मैंने मान लिया है। चुप कर चारदारी, बोबड़ी गई की। मैं क्या कह रही थी? मेरे पोनी टेल काउबॉय। तो ऐसा धड़कता धड़कता सुर छेड़ लो कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गुड़गुड़ी हो जाए। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा